बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में मासूमों को निशाना बनाने वाला सीरियल रेपिस्ट, 8 साल से 10 साल की बच्चियां रहती थी निशाने पर। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 38 साल के सुनील रस्तोगी नाम के शख्स को दबोचा। सुनील ने 13 साल में करीब 700 मासूमों से दरिंदगी की बात कबूली। पुलिस के मुताबिक न्यू अशोकनगर इलाके में ही आता था आरोपी। उत्तराखंड के रामपुर से 245 किलोमीटर दूर दिल्ली में बच्चियों को बनाता था निशाना। अलवर पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को दबोचा। सभी हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों के हैं गुनहगार। जमशेदपुर में परंपरा के नाम पर दिखी बर्बरता। आदिवासी समाज ने करीब 50 बच्चों को लोहे की गर्म छड़ से दागा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के, तीनों के 7 हथियारों का जखीरा जब्त। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर का एक आतंकी जिंदा गिरफ्तार। सोपोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मार्च अप्रैल के महीने में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ। उपराज्यपाल ने सरकार को भेजी वार्ड परिसीमन की फाइल। दिल्ली के व्यापारी से लूट के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने 2 सिपाहियों को किया निलंबित। मामला दर्ज कर भेजा जेल। दिल्ली के हरिनगर इलाके में कपड़ा शोरूम में 25 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के सागरपुर इलाके में पिता की घिनौनी करतूत, अपनी ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म। गर्भवती होने पर वारदात का हुआ खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी। 4,000 लीटर शराब जब्त। यूपी के आजमगढ़ में 1,01,000 हरंसी बरामद। एक युवक हिरासत में। यूपी के हाथरस में गांव के ही 2 लोगों ने महिला को जिंदा जलाया। महिला गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। 2 दिन में लूट की 4 वारदातों को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपियों के पास से 11 रिवॉल्वर और 6 कारतूस बरामद। हरियाणा के बल्लभगढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी। उज्ज्वल नाम की संस्था ने 31 युवकों को लगाया 40,000 का चूना। राजस्थान के दौसा में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूद कर दी जान। एक ही गांव के रहने वाले थे युवक युवती। कर्नाटक के तुमकुर में खाकी वर्दी की हैवानियत। सब इंस्पेक्टर ने दिव्यांग महिला के साथ किया बलात्कार। यूपी के आजमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान 2,72,000 रुपए बरामद। हिरासत में एक युवक। यूपी के हरदोई में महिला ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। प्रेमी से झगड़े के बाद थाने लाई गई थी महिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 नक्सली गिरफ्तार। 21 कारतूस, 6 डेटोनेटर और दस्तावेज बरामद। पश्चिम बंगाल के मालदा में रेलवे ट्रैक के पास आदिवासी महिला का शव बरामद। महिला की शिनाख्त नहीं। हैदराबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग का काबू। शुरू में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। एक नाबालिग को अगवा कर वारदात को दिया था अंजाम। भरतपुर में कुएं से मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। मंदिर जाते वक्त हुआ था लापता। अमृतसर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के गोड्डा में दवा कारोबारी की चाकू से कूदकर हत्या। पुलिस अब तक खाली हाथ। यूपी के सहारनपुर में बुजुर्ग महिला से झपटमार लूटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के नादिया में भयंकर सड़क हादसा। 8 लोगों की मौत। ट्रक और लॉरी में हुई थी सीधी भिड़ंत। झारखंड के सिंहभूम में नक्सलियों का उत्पात। घात लगाकर किए हमले में 2 लोगों का कत्ल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में महिला को चौकी से बांधकर जिंदा जलाने की वारदात। आरोपी महिला का पड़ोसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस की नकेल। 2 गिरफ्तार। पुलिस ने लूट का ट्रक किया बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 3 नरमुंड मिलने से खलबली। सड़क निर्माण के वक्त मामले का हुआ खुलासा। पंजाब के अमृतसर में मुख्य मार्ग पर चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक। गला कटने से हुई मौत। झारखंड के मधुपुर में 15 साल की लड़की को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। हाजीपुर के अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रा की मौत की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू। छात्रावास की हालत देखकर भड़की। हरियाणा के गोहाना में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी विक्रम गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आंध्र प्रदेश में जलीकट्टू के दौरान सांडों की दौड़ में खतरों से खेले लोग। सीएम चंद्रबाबू नायडू के गृह जनपद में दिखा हैरान करने वाला नजारा। साइकिल पर जारी समाजवादी झगड़े का आज हो सकता है अंत। चुनाव आयोग सुना सकता है फैसला। चिन्ह फ्रीज होने की आशंका। झगड़े के बीच शिवपाल यादव ने उत्तराखंड में 26 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिया फैसला। यूपी उत्तराखंड के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। देर रात तक हुई सेंट्रल कमेटी की बैठक में नामों पर लगी मोहर। आज उत्तराखंड के ऋषिकेश जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज।
राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, आज कैप्टन अमरिंदर के साथ कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 42 पैसे और डीजल 1 रुपए लीटर महंगा, आधी रात से कीमतें लागू। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भगदड़, 6 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल, मकर संक्रांति के मेले में जुटी थी हजारों की भीड़। हादसे के शिकार परिवारों को पश्चिम बंगाल सरकार ने दिए 5-5 लाख, लेकिन भगदड़ मानने से इनकार, कहा स्वाभाविक मौत हुई, केंद्र ने भी दी 2-2 लाख की मदद। अमृतसर लोकसभा सीट उपचुनाव में आपने उपकार सिंह संधू को मैदान में उतारा, अमरिंदर सिंह के खिलाफ इस्तीफा देने से खाली हुई थी सीट। रोज वैली और शारदा घोटाला केस में टीएमसी सांसद कुणाल घोष से सीबीआई की पूछताछ, टीएमसी ने बताया सरकार की साजिश। पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, मजुमदार पर फर्जीवाड़े का आरोप। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य ठाकरे की बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 नई टीमों का होगा गठन, 4,000 से ज्यादा जवानों को मिलेगी नौकरी। सरकार की सख्ती के आगे अलगाववादियों के हौसले पस्त, प्रत्येक शुक्रवार को हड़ताल के आह्वान से पीछे हटे। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी, अंग्रेजों के लिए माफी मांगने का अच्छा मौका। आगरा की बाह सीट से एसपी विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पत्नी के संग हुए शामिल। यूपी के फैजाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन, समाजवादी झगड़े के अंत की कामना की। पंजाब के पटियाला की स्नोर विधानसभा सीट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हरमीत सिंह पठा मांजरा को टिकट देने का विरोध। पश्चिम बंगाल के मालदा में संसी कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज, विरोध में छात्रों ने किया हाईवे जाम। खराब खाने के मामले में गृह मंत्रालय को आज अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है बीएसएफ, तेज बहादुर यादव ने वीडियो में की थी शिकायत। सोशल मीडिया पर उजागर हो रही जवानों की शिकायत पर थल सेना प्रमुख से बात करेंगे रक्षा मंत्री परिकर, सेना से रिपोर्ट तैयार करने को कहा। बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर यादव के गांव में आज फिर होगी महापंचायत, परिवार ने की है सीबीआई जांच की मांग। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह ने किया दावा, पति को फतेहगढ़ के घर में किया गया नजरबंद, 4 दिन से भूख हड़ताल पर है पत्नी। थल सेना अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में जवानों की शिकायत की वीडियो को बताया गलत, बोले ऐसी हरकतों से सेना का गिरता है मनोबल। बर्फ की त्रासदी झेल रहे शिमला में आगजनी का टूटा कहर, तंगू गांव में जले 56 घर। शिमला में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, घरों में लटकी दिखी बर्फ की झालरें। करगिल क्षेत्र में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंड में जम गया दरिया का पानी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के चलते जम गई डल झील, शिकारे की सैर की चाहत रखने वाले सैलानी हुए मायूस। झालावाड़ जिले में जबरदस्त ठंड, तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से ठिठुरती हुई ठंड, आसमान में छुटपुट बादल। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 17 ट्रेनें लेट, 2 ट्रेनों को किया गया रद्द। 26 जनवरी की परेड के लिए तैयारियां तेज, एनएसजी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान राजपथ पर रिहर्सल में जुटे। तमिलनाडु में जलीकट्टू पर विरोध प्रदर्शन जारी, मदुरई में दुकानें बंद, पुलिस की भारी तैनाती। जलीकट्टू के समर्थन में कई शहरों में उठी आवाज, रामेश्वरम के लोगों ने भी जताया समर्थन। पुलिस वालों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उत्तराखंड के डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन, शिकायतों से निपटने के लिए नियम कायदों के पालन का दिया हवाला। मुंबई के लोखंडवाला में भी हैप्पी फेस्टिवल का आयोजन, अभिनेता अर्जुन कपूर मौजूद। मुंबई फिल्म जौहर का म्यूजिक लॉन्च, सुरेश वाडेकर थे मुख्य अतिथि। मुंबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन का आयोजन, जॉन इब्राहिम ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में मेंस फैशन कैलेंडर 2017 का लॉन्च, कई सितारों ने बढ़ाई रौनक। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन को दी चेतावनी, भारतीय सिंबल्स और आइकॉन्स को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली कॉर्पोरेट सेक्टर को बजट में दे सकते हैं सौगात, ग्लोबल रिसर्च फर्म डेलॉयट के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स में कर सकते हैं कटौती। टीसीएस सर्विसेज के मुखिया रहे एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स का चेयरमैन बनने के बाद कंपनी के भविष्य पर आशंका जताई, कम हो सकता है निवेशकों का भरोसा। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने पर 3 दिन में मिलेगा कैशबैक, सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश। नोटबंदी के बाद से घाटे में प्रॉपर्टी बाजार, अब बिल्डरों को व्हाइट मनी वाले ग्राहकों का इंतजार। पूरे वनडे में टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत, इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई, लिखा बहुत खूब टीम इंडिया, ये नव वर्ष की बेहतरीन शुरुआत है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर इंग्लैंड टीम पर कसा तंज, लिखा 10 गुना लगान वसूल।